अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टाइम न्यूज रिपोर्ट सीबी मणि त्रिपाठी बलरामपुर। हिंदू समाज की एकता से घबराया हुआ है विपक्ष सांसद दद्दन मिश्रा। बलरामपुर 8/5/2019 श्रावस्ती लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दद्दन मिश्रा ने बुधवार चुनावी जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान श्रावस्ती लोकसभा के हरिवंशपुर, परेवपुर, कुरवैनी, बेलहा, राघोक, बगहा, डिगुराजोत, मदारा, भिनगा बाजार, भिनगा छावनी चौराहा समेत दर्जनों स्थानों का दौरा किया। सभी गांवों में चुनावी नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया जबकि भिनगा नगर में बाजार भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान हरिवंशपुर गांव में चुनावी नुक्कड़ सभा आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सांसद मिश्रा ने कहा कि अक्सर गंभीर बीमारी होने के बाद लोगों को इलाज हेतु लखनऊ जाना पड़ता है। इसके लिए हमारी हॉस्पिटल की मांग की थी, सरकार ने हमारी इस मांग को माना है और सरकार मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी है। अब बलरामपुर में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ही पूरे देश के एक समान विकास के लिए दृष्टिकोण है। श्रावस्ती की उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि जो रेलवे प्रोजेक्ट 5000 करोड़ 1954 से अटका हुआ था उसे हमने पास करवाया। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान दिए हैं। गरीब माता बहनों को उज्ज्वल योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। सौभाग्य योजना एवं दीनदयाल ज्योति ग्राम योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाई है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की वोट कटुआ भूमिका स्वयं कांग्रेस को ही खत्म करेगी। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर कांग्रेस वोट कटुआ बन गई है। ये कांग्रेस के पतन के लक्षण हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी हिंदू समाज की एकता से घबराया हुआ है, इसलिए विपक्षी नेता हिंदू समाज को जातियों में बांटने पर आमादा है। पर हिंदू समाज ये बात समझ चुका है और इसकी ये नीति इस बार भी सफल नहीं होगी। इस चुनाव में और आगे भी समाज में एकता का धागा और मजबूत होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी है तब से एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 70 सालों में गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा देती रही, लेकिन गरीब मुक्त भारत का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तविक रूप में कर रहे हैं।